स्टूडेंट वेलकम टू योर चैनल माई एग्जाम सोल्यूशन। मैं प्रीति आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ BHTLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग सॉल्व असाइनमेंट 2022-23 सेशन। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे आप अपना हिंदी असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट ये असाइनमेंट 2022 के उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है। इसी के साथ स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ऐसी और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बढ़ते स्टूडेंट वीडियो में आगे की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप केयरफुली रीड कर लीजिए। इन इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट केयरफुली रीड कर लीजिए। इसमें बताया गया है कैसे आपको अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कैसे असाइनमेंट कम्प्लीट करके सबमिट करना है। साथ ही साथ अपने एनरोलमेंट नंबर, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर को केयरफुली फिल करें। इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पर आपको सबमिशन डेट भी दी गई है कि कब तक आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना है। अकॉर्डिंग टू योर सेशन यहाँ से आप अपनी सबमिशन डेट देख सकते हैं। सो स्टूडेंट अब इसके आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, असाइनमेंट की तरफ आपके। स्टूडेंट असाइनमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो असाइनमेंट के सॉल्व कॉपी एज अ PDF, एज अ हैंड रिटन हार्ड कॉपी बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको ये स्क्रीन पर दिया गया है। आप आपके फ्रेंड या आपके ग्रुप में कोई भी पर्सन सॉल्व असाइनमेंट बाय करना चाहता है एज अ PDF, एज अ हैंड रिटन हार्ड कॉपी, वो भी इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसी के साथ बढ़ते हुए स्टूडेंट वीडियो में आगे की तरफ। सो स्टूडेंट ये है आपका असाइनमेंट BHTLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग। यहाँ से आप अपना असाइनमेंट कोड चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट यह है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, असाइनमेंट को अच्छी तरह कंप्लीट करने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें, वरना आपको आंसर समझ नहीं आएंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आप एक बार अपना क्वेश्चन पेपर रीड कर लें केयरफुली। स्टूडेंट इसमें 3 पार्ट हैं क्वेश्चन पेपर में। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ट 2 में क्वेश्चन 3 है, पार्ट 3 में क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन के क्वेश्चन मार्क्स उनके सामने दिए गए हैं, आप एक बार रीड कर लीजिए इसे अच्छे से। सो स्टूडेंट बढ़ते आगे की तरफ, सॉल्व असाइनमेंट की तरफ, आंसर्स की तरफ। स्टूडेंट ये है पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, भाषा और लिपि में संबंध स्पष्ट करते हुए लिपि के महत्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। स्टूडेंट आंसर आपको नीचे दिया गया है। आंसर को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट कर ले ताकि आपको आंसर अच्छे से समझ आ जाए। 1 से 2 बार रीड कर जरूर कर ले आंसर को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया लिपि के फायदे, या आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट में दिया गया, आप ऐसे ही लिखें। इसी के साथ स्टूडेंट अगला दे रखा है आपको लिपि की विधि, लेखन की विधि। अपने आंसर को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वर्तनी के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आंसर आपको नीचे दिया गया है। इसी के साथ स्टूडेंट यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की प्रयुक्ति और प्रयोजन मूलक हिंदी पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर आपको नीचे दिया गया है। आंसर को 1 से 2 बार रीड कर ले समझने के लिए। सो स्टूडेंट यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है आपका विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी के ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। इसी के साथ स्टूडेंट ये है खा वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। सो स्टूडेंट ये है पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बैंकों में प्रयुक्त हिंदी पर प्रकाश डालिए।
उम्मीद करती स्टूडेंट आपको आंसर समझ आया होगा। इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर एंड होता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी प्रयोग की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर आपको नीचे दिया गया है, आंसर को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, निबंध रचना के नियमों के आधार पर भारतीय संस्कृति विषय पर निबंध लिखिए। आंसर आपको नीचे दिया गया है। सो स्टूडेंट ये आंसर नंबर 7। सिक्स स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 3। यह है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है अव्यय, सेकंड है विशेषण, थर्ड है पारित, आयोग, उपवन। इसी के साथ स्टूडेंट यह है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है आपका राज्यसभा। आंसर आपको नीचे दिया गया है स्टूडेंट। फिर है आपका संपर्क भाषा। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो। सो स्टूडेंट अभी हमने BSDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग का असाइनमेंट पेपर सॉल्व किया। इसी के साथ अगर स्टूडेंट आप अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे अपने असाइनमेंट के लिए, तो आप वाई भी कर सकते हैं एज अ PDF भी एंड एज अ हैंड रिटन हार्ड कॉपी भी। अगर आप बाय करना चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं प्रीति मिलती हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।